الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قرئ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ اتنے تھوڑے نہیں ہیں جتنی تھوڑی آواز ہے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں اور سنی خاموش رہیں یہ ہو نہیں سکتا مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرض علی الامم عاشقان مصطفیٰ ہیں عاشقان آل بیت امام حسن رضا خان علیہ رحمہ کا کلام اس کے بہر پر قبلہ قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ فرماتے ہیں عاشقان مصطفیٰ ہیں عاشقان
दुश्मनान मुस्तफा हैं दुश्मनान आल बैत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग्दी अबगदहुम। तो जो आशिकाने आले बैत हैं वही आशिकाने मुस्तफा हैं, और जिनके सीने में बुग्ज़े आले बैत हो उनके सीने में मोहब्बत मुस्तफा आ ही नहीं सकती। तो डॉक्टर साहब ने क्या खूब फरमाया कि दुश्मनाने मुस्तफा हैं दुश्मनाने आले बैत, और सरवरे निस्बत के बाइस आज भी सरवरे कौनैन की निस्बत के बाइस आज भी अहले सुन्नत बिल यकीन है मदह खाने आल बैत। अहले सुन्नत बिल यकीन है मदह खाने आल बैत, और कुदसियों से जाके पूछो दास्ताने आल बैत। कुदसियों से जाके पूछो दास्ताने आल बैत। आले सुन्नत का अकीदा डॉक्टर साहब ने एक शेर के अंदर बयान फरमा दिया। अब फरमाते हैं कि आल के लहजे में हर दम हो पे असहाबे नबी, आल के दम हो बे असहाबे नबी, बिल यकीन असहाबे है कदरदाने आल बैत। बिल यकीन असहाबे है कदरदाने आल बैत, दुश्मनाने मुस्तफा है दुश्मनाने आल बैत। और वो जिसके सीने मौजज़ा
है कदर शान आल बैत जिसके अंदर मौजज़ा है कदर शान आल बैत आशिकान मुस्तफा हैं आशिकान आले बैत दुश्मनान मुस्तफा हैं दुश्मनान आले बैत हक चार यार यार जिंदाबाद 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 माशाल्लाह। अल्लाह जल्ला जिक्रहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व अअज़्ज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना सरवरे कायनात मफ़खरे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात हामी बेकसां शफ़ीए मुजरिमां अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम की बारगाह अकदस में हदिया दुरूद अकीदत और खानवादे मुस्तफ़ा ख़ानदान मौलाए मुर्तज़ा रिद्वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की बारगाह बेकस पनाह के अंदर हदिया अकीदत अर्ज करने के बाद आज की ये महफिल मुबारक बसिलसिले ज़िक्र शुहदाए करबला और ज़िक्र अहले बैत इनेकाद पज़ीर है। महफिल पाक की सदारत शाने आले सुन्नत शाने बिखारी कला मंसूर मिनल्ला उस्ताजी व उस्ताजुल उलमा पीर तरीकत रहबर शरीयत हज़रत उस्ताजी पीर मोहम्मद शफीक अहमद कादरी अब्बासी रिजवी ज़ेब सज्जादा आस्तान आलिया हुजूर गरीब नवाज व खलीफ़ मुजाज आस्तान आलिया बरेली शरीफ आप फरमा रहे हैं। ज़ीनत महफिल पीर तरीकत हज़रत साहिबजादा पीर सैयद हामिद शाह साहेब चरागी सुल्तानी और आपके अलावा बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी तौकीर अब्बास रिजवी और दीगर उलमाए कराम जो स्टेज की जीनत हैं, मैं अपनी तरफ से किबला हज़रत मौलाना उस्ताद कारी निसार साहेब आपकी तरफ से बरादर असगर हज़रत मौलाना हाफिज़ यासिर अब्बास रिजवी साहेब की तरफ से और दीगर मस्जिद बिलाल की इंतज़ामिया की तरफ से तमाम अहबाब को खुश आमदेद कहता हूँ।
अल्लाह रब العزت की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा ये मिल बैठना, ये ज़िक्र सहाबा व आले बैत करना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और इसके सदके हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। हजरत मोहतरम, आज का जो मेरा मौजू है और सुन्नी का मकाम व मर्तबा क्या है, चूँकि गैरों से अब हमें वो ख़तरा नहीं रहा जो ख़तरा हमारे अंदर के लोगों से हमें महसूस हो रहा है, इसलिए पहचान ज़रूरी है कि सुन्नी किसे कहते हैं। हर दौर में सुन्नी की अलग तारीफ रही है, क्योंकि हकीकत में सुन्नी वो है कि जब सारे के सारे फिसल जाएं सुन्नी वहां पर भी नहीं फिसलता है। तो जिस दौर में जिस किस्म के लोग पैदा हुए और उन्होंने दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, उनके मुकाबले में जो कुव्वत खड़ी नजर आती है हर दौर में उसको सुन्नी कहते हैं। अब वो चाहे खल्के कुरान का फितना हो तो मुकाबले में खड़ी शख्सियत इमाम अहमद बिन हंबल को सुन्नी कहते हैं, वो चाहे बुग़्ज़े शेखैन हो, बुग़्ज़े खतनैन हो और मौज़ों पर मसा करने के हवाले से हो, तो अगर वहां पर हमारे इमाम आजम से पूछा जाए कि सुन्नी कौन है तो आप जो इरशाद फरमाते हैं तो वो ये है कि जो शेखैन को अंबिया के बाद सबसे ज्यादा दर्जा दे, खतनैन यानी हजरत उस्मान गनी और हजरत अली उल मुर्तजा से मोहब्बत रखे और मौज़ों पर मसा करे, वो ही सुन्नी कहलाने के लायक है। क्योंकि उस वक्त ये तीन फितने थे, लोग शेखैन करीमैन हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा व अलैहिम सलाम को माज़ अल्लाह उनकी शान में तनकीस करते थे, उनकी शान में कमी करते थे, और कुछ ऐसे लोग थे कि जिनके सीने मोहब्बत मौलाए मुर्तजा से खाली थे, मोहब्बत उस्मान गनी से खाली थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो मौज़ों पर मसा करने को नाजायज समझते थे। तो इमाम साहब ने ऐसी जामे तारीफ फरमा दी कि अगर इस दौर में सुन्नी को देखना चाहते हो तो सुन्नी वो है कि जिसके सीने में मोहब्बत शेखैन भी होगी, मोहब्बत खतनैन भी होगी और मौज़ों पर मसा करने का कायल भी होगा। तो हर दौर में सुन्नी की अलग तारीफ रही है। पहले मैं आपकी बारगाह में सुन्नी का मकाम अर्ज किए देता हूं। कुरान पाक की जो आया करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, कुरान इरशाद फरमाता है यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, क़यामत का दिन वो दिन है कि तबयद्दु वुजूह, उसमें कुछ चेहरे जो हैं वो सफेद होंगे, रोशन होंगे, व तस्वद्दु वुजूह और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो काले स्याह होंगे। क्या इरशाद फरमाया यौमा तब यद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, ये वो दिन है, क़यामत का दिन कोई आम दिन नहीं है, उसमें हक और बातिल की पहचान हो जाएगी, जो हक वाले होंगे उनके चेहरे सफेद और रोशन होंगे और जो बातिल पर होंगे उनके चेहरे स्याह होंगे। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चेहरे सफेद होंगे वो कौन से चेहरे होंगे और जो स्याह होंगे वो चेहरे कौन से होंगे? तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यौम तबयद्दु वुजूह अहले सुन्ना व तस्वद्दु वुजूह अहले बिदहा, ए लोगो उस दिन जो चेहरे सफेद और रोशन होंगे वो सुन्नियों के चेहरे होंगे और उस दिन जो चेहरे स्याह होंगे वो बिदअतियों के चेहरे होंगे। तो
देखें क्यामत के दिन भी जो चेहरे चमक रहे होंगे वो सुन्नियों के चेहरे होंगे, उसके अलावा जो बिदअतियों के चेहरे होंगे वो आज भी स्याह हैं, क्यामत वाले दिन भी स्याह रहेंगे। अब जरा आले सुन्नत के चेहरे क्या रहेंगे? रोशन रहेंगे, सफेद रहेंगे। अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सुन्नी कहते किसे हैं, सुन्नी कौन है। तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, आपसे पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नी किसे कहते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सतफ तारे को उम्मती सब सब तुम सलासुम सबईना फिरकतन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए लोगो अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों के अंदर बढ़ जाएगी। सलासुम व सबऊना फिरकतन, अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों के अंदर बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सारे के सारे जहन्नमी होंगे सिवाय एक के। कुल कितने फिरके बताए? 73 फिरके। उनमें से फिर जहन्नमी कितने बनते हैं? 72, और जो जन्नती है वो एक ही फिरका है। और सहाबा इकराम ने भी बात को बड़ा वाजे तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त आएगा कि जब हर कोई कहेगा कि मैं हक पर हूँ, मैं हक पर हूँ, मैं हक पर हूँ, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आप बता दें कि हक पर कौन सा फिरका होगा, कौन सी जमात जो है वो जन्नती जमात होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबा तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, सुनो वो फिरका जन्नती होगा मा आना अलैहि व असहाबी, जिनका अकीदा वो होगा जिस अकीदे पर आज मैं और मेरे असहाब हैं। जो मेरे असहाब के अकीदे पर अमल करेगा वो ही फिरका जन्नती होगा। तो सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि पहले पूछा कि कौन सा फिरका होगा, उनका नाम क्या होगा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हम अहले सुन्नत वल जमात, वो फिरका सुन्नत व जमात यानी सुन्नी होंगे वो। तो सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत वल जमात तो बहुत सारे कहलाने वाले होंगे, तो हकीकी सुन्नी कौन से होंगे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस अकीदे पर आज मैं और मेरे असहाब हैं, कल क्यामत तक जिनका अकीदा ये होगा वो सुन्नी हैं, उसके अलावा कोई भी सुन्नी नहीं कहला सकता। तो अब देखें कि मकाम तो वाजे हो गया, आले सुन्नत का मकाम तो वाजे हो गया कि उनके चेहरे उस दिन भी चमक रहे होंगे कि जिस दिन सारे चेहरे स्याही माइल होंगे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि निजात पाने वाली जमात जन्नती जमात वो भी सुन्नियों की जमात है। कुछ आबाब उठ के जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, बातें चंद ही करनी है। खिताब असल में हजरत मौलाना हाफिज अरब शहजाद साहब का है, वो तशरीफ ला रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको माजूज करेंगे, लेकिन चंद एक बातें मेरी भी समाअत फरमा लें, शायद आपकी समा खराशी भी हो और हो सकता है दिल खराशी भी हो, लेकिन ये बातें करना हमारी मजबूरी है और बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज आले सुन्नत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनमें गैर तो गैर हमें तो अपनों ने ही लूटना शुरू कर दिया है जी, अपनों ने ज्यादा हमला करना शुरू कर दिया है। तो आज के दौर में हमने देखना यह है कि सुन्नी कौन है। आज लोग कहते हैं ना कि तुम मुहर्रम के अंदर भी जिक्र सहाबा शुरू कर देते हो, पता नहीं तुम्हें क्या है, बुग्जे आले बैत है तुम्हारे अंदर, तब तुम असहाब का जिक्र करते हो। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सुन्नी होता ही वो है कि जो दोनों का जिक्र मिलाकर करे। हक चार यार क्योंकि
सुन्नी के अंदर खानदानों की ना बुग्ज है ना ही खानदानों की मोहब्बत है। हो सकता है कोई बंदा कहे कि जुमला सख्त है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि सुन्नी हर निस्बत मुस्तफा का हया करता है। सुन्नी हर निस्बत मुस्तफा का हया करता है। जिस चीज की निस्बत भी हमारे आका अलैहि सलातु वस्सलाम के साथ है, सुन्नी उसका हया करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमें असहाब ने सिखाया ही यही है, सहाबा ने हमें सिखाया ही यही है कि लोगों, अगर तुम मोहब्बत मुस्तफा चाहते हो, अगर तुम इश्क मुस्तफा चाहते हो, तो फिर जिस चीज की निस्बत भी हमारे आका के साथ हो गई है, जब उस चीज का हया तुम्हारे सीने के अंदर होगा तो तुम्हें इश्क मुस्तफा भी हासिल हो जाएगा, मोहब्बत मुस्तफा भी हासिल हो जाएगी। एक है उबै इब्ने सलूल, आज भी छोटे छोटे उबै इब्ने सलूल फिर रहे हैं जी। किसी की सुर्ख दाढ़ी है, हा? किसी की पता नहीं कैसी दाढ़ी है, किसी की है ही नहीं, और किसी ने नई नई रखी हुई है। क्या जी? नई नई रखी हुई है। तो इसलिए हमने देखना क्या है कि मुनाफिक कौन है और आशिक कौन है। तो आए, मैं आपको असहाब के दरबार में ले जाता हूँ। सरकार मदीना अलैहि सलातु वस्सलाम का दराज गोश गदा मुबारक कि जिसको याफूर कहा जाता था, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम अपने दराज गोश पर तशरीफ फरमाए। सुनिए, कसम है मजा आ जाएगा जब आप अब्दुल्ला बिन रवाहा का अकीदा सुनेंगे तो अपने अकीदे पर फखर करेंगे कि सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा तो वो है जिस अकीदे पर अब्दुल्ला बिन रवाहा थे। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम का दराज गोश मुबारक जा रहा है, रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबै इब्ने सलूल मुनाफिकीन का सरदार बैठा है। उसने, चूंकि गलियां पक्की तो होती नहीं थी, कच्ची गलियां होती थी, बारिश में कीचड़ होता था, और जब बारिश नहीं होती थी तो रेत वाला इलाका था, धूल होती थी। तो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम का दराज गोश गुजर रहा है, रास्ते में उबै इब्ने सलूल बैठा है। तो जब हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम का दराज गोश उसके पास से गुजरा तो थोड़ी सी धूल उड़कर उबै इब्ने सलूल पर जा पड़ी। तो उसने कहा, वल्लाहे नतनो, उसने कहा कि हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के दराज गोश ने मुझे तकलीफ दी है, इससे उड़ने वाली जो धूल है उससे मुझे तकलीफ हुई है। ये किसका अकीदा था? मुनाफिक का अकीदा था। वो अपने तई ये सोच रहा था कि हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम का दराज गोश ही है ना, गदा ही है, तो इसकी क्या इज्जत है, इसका क्या मकाम है, इसकी क्या शान है तो गदा ही, लेकिन उसको क्या पता था कि इस गदे की निस्बत हमारे आका के साथ हो चुकी है। उसने कहा कि मुझे इसने तकलीफ दी है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह में सफर कर रहे थे, आपके दराज गोश के पीछे पीछे चल रहे थे। तो आपने फतवा नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह, अब इसको जवाब क्या देना है, इसको क्या कहना है, बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने उबै इब्ने सलूल को मुखातिब करके कहा कि मुनाफिक, तू कहता है कि मुझे हुजूर के दराज गोश ने तकलीफ दी है, सुन आशिक का अकीदा क्या है। आपने इरशाद फरमाया, वल्लाह नतनो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतयब रीहम मिनका, कि ए उबै इब्ने सलूल, तू भले इंसान है और अशरफुल मखलूकात है, लेकिन तेरी निस्बत मुस्तफा से नहीं है, ये दराज गोश है, हकीकत में गदा है, लेकिन इसकी निस्बत हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम से हो गई है, तो सुन आशिक का अकीदा ये है। आप फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मुझे हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के इस दराज गोश की बू तेरी हजारों कस्तूरियों की खुशबू से ज्यादा अजीज है। क्या इरशाद फरमाया कि मुझे इस दराज गोश की बू तेरी हजारों कस्तूरियों से बढ़कर अजीज है। और जो जलालैन शरीफ की रिवायत है वो इससे भी मजे की रिवायत है। आपने इरशाद फरमाया, वल्लाह
لبولو ہمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا. تو تو دراز گوش کی بات کرتا ہے, ارے اس کے ساتھ تو میرے نبی کی ٹانگیں مس ہوئی ہیں, میرے آقا کا جسد اطہر ٹچ ہوا ہے, اس کی شان تو برا الورا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا واللہ لبولو رسول لبولو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا. سن عبداللہ بن رواحہ کا عقیدہ, آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اس دراز گوشت کے پیشاب کی جو بو ہے وہ بھی مجھے تجھ سے زیادہ عزیز ہے. تو وہ تو تھا دراز گوشت. دراز گوشت فارسی میں لمبے کانوں والوں کو کہتے ہیں. تو لمبے کانوں والا کون ہوتا ہے؟ ایک گدا ہوتا ہے نا, اور ایک خرگوش ہوتا ہے. وہ سبق پڑھاتا ہوں تو طلباء اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا سبق کبھی کچا ہو نا, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم تو اس کی طرح ہو جس کی چار ٹانگیں ہیں اور لمبے لمبے کان ہیں. تو پھر اسے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے گدا ہے. میں نے کہا خرگوش بھی ہوتا ہے, ضرور اپنے کو گدے کے ساتھ ہی نسبت دینی ہے. خرگوش کی طرف بھی تو اپنے خود کو لے جا سکتے ہو نا. تو اس لیے خرگوش کو بھی خرگوش اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے کان گدے کی طرح ہوتے ہیں. خر گدے کو کہتے ہیں, گوش کانوں کو کہتے ہیں. تو خرگوش کو خرگوش اسی وجہ سے کہا جاتا ہے, یہ فارسی کا لفظ ہے, کہ اس کے کان گدے کی طرح ہوتے ہیں, اس وجہ سے اس کو خرگوش کہا جاتا ہے. عربی میں ارنب کہتے ہیں. تو یہ بھی ذرا سماعت فرما لیں. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عقیدہ کیا دیا کہ ایک بظاہر حقیر جانور ہے گدا, ہم اس کو حقیر جانور سمجھتے ہیں, اس کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے کے اندر, اس کو اتنی عزت نہیں دی جاتی, اس پر جو ہے وہ سامان لادا جاتا ہے, سواری کی جاتی ہے, اور اس کو گدے کو گھر میں بھی نہیں رکھنا چاہیے, رکھا بھی نہیں جاتا, نر نہیں رکھا جاتا, رکھا جاتا ہے تو مادہ ہی رکھا جاتا ہے. تو وہ ایک حقیر جانور ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بتا دیا کہ ایک صحابی کا عقیدہ ایک ایسے جانور کے بارے میں کہ جس کو معاشرہ حقیر سمجھتا ہے, جب اس کی نسبت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائے تو وہ اس کو اشرف المخلوقات سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے. تو جب آل پاک کو نسبت مصطفیٰ ہو جائے صحابی کے سینے میں اس کی کتنی محبت ہوگی, اس کا کتنا مقام ہوگا, اس کا کتنا مرتبہ ہوگا صحابی کے سینے میں, کہ جب ایک گدے کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر اس کو عزیز ہے, تو جس آل کی نسبت ہمارے آقا کے ساتھ ہو گئی ہے اس آل کی محبت صحابہ کے سینے میں کتنی ہوگی. تو یہ تو عبداللہ بن رواحہ ہے, اتنے پائے کے صحابی نہیں ہیں جتنے پائے کے صحابی صدیق اکبر ہیں, جتنے پائے کے صحابی فاروق اعظم ہیں, جتنے پائے کے صحابی عثمان غنی ہیں. تو جب عبداللہ بن رواحہ نسبت مصطفیٰ کا اتنا حیا کر رہا ہے تو صدیق کے سینے میں نسبت مصطفیٰ کا کتنا حیا ہوگا, فاروق اعظم کے سینے میں نسبت مصطفیٰ کا کتنا حیا ہوگا, عثمان غنی کے دل میں نسبت مصطفیٰ کا کتنا مقام ہوگا. آج تم لوگوں کو بتاؤ گے؟ ہم نے تو سیکھا ہی ادب آل بیت صحابہ سے ہے, ہمیں تو ابو ہریرہ نے ادب آل بیت سکھایا ہے. آج لوگوں کو ابو ہریرہ کا ذکر سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن ابو ہریرہ وہ ہے کہ جو امام عالی مقام کے جوتے اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے, سر پر رکھتا ہے. باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن سنی ہیں, کیونکہ ہم سنی ہیں. تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے پر تشریف لے گئے تو حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ ہیں. عمر کا بڑا تفاوت ہے. حضرت امام عالی مقام آپ کو چچا کہتے تھے حضرت ابو ہریرہ کو. تو حضرت امام عالی مقام نے اپنے نالین مقدس اتارے, تو جب اتارے نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نالین مقدس اٹھا لیے, پہلے ان کو سینے سے لگایا پھر سر پر رکھ لیا. تو امام عالی مقام نے کہا چچا کیا کر رہے ہیں, کہاں آپ کی عمر آپ کی شان اور کہاں یہ نالین؟ آپ نے عرض کی
اے امام عالی مقام امام حسین، میں نے تو صرف جوتے سینے سے لگائے ہیں اور سر پر رکھے ہیں، جو مقام میرے آقا نے مجھے آپ کا بتایا ہے اگر وہ اس امت کو پتا چل جائے تو یہ آپ کو بھی کندھوں پر اٹھائے رکھیں۔ اللہ اکبر، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، امیر اہل سنت کا لگایا ہوا نعرہ ہے، بڑوں بڑوں کو تکلیف دیتا ہے، ہر صحابی نبی، بلند آواز سے بولے ہر صحابی نبی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ امیر اہل سنت کا لگایا ہوا نعرہ نہیں ہے، حقیقت میں قرآن کا لگایا ہوا نعرہ ہے۔ رضی اللہ عنہم وردو عن وکلم واحد، ہر صاحب یہ نبی، جنتی جنتی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، فرامین مصطفیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ سنی کون ہے، سنی کی تعریف ہر دور میں الگ رہی ہے، لیکن اس دور میں اگر سنی کی تعریف پوچھنی ہے تو ہمیں در رضا کھٹکھٹانا پڑے گا، ہمیں حضور اعلی حضرت کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، امام عشق و محبت کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی، تب پتہ چلے گا کہ سنی کون ہے، سنی کسے کہتے ہیں۔ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23، آپ کا دیا ہوا دیا، تو جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 741، آپ کے کتاب العون اور شرح نقایا علامہ کاستانی کی، اس کے حوالے سے آپ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ لو ارادا ذکر مقتل الحسین ینبغی ان یذکر اولا مقتل سائر الصحابۃ لئلا یشابہ الروافض، آپ نے جو آل سنت کا طریقہ کار بیان کیا ہے اور سنی کسے کہتے ہیں جو اعلی حضرت نے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی مقرر شہادت حسین علیہ السلام کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ باقی صحابہ کی شہادت کو بھی بیان کرے، باقی اصحاب کی شہادت کو بھی بیان کرے، تاکہ روافض کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تاکہ روافض کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ کیوں لکھ رہا ہے؟ علیہ السلام علیہ حضرت لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں بھی بعض یہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، لیکن اعلی حضرت نے علیہ السلام لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم بھی علیہ السلام کہیں گے، اور اگر کسی کو علیہ السلام سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پھر علاج کوئی نہیں ہے، کیونکہ ناسبیت بھی ہمارے اندر گھر کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے جہاں رافضیت کا رد کرنا ہے اور تفضیلیت کا رد کرنا ہے، وہاں ساتھ میں ناسبیت کا رد بھی ضروری ہے، اور یہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی امام آل سنت ہی فرمائیں گے، اور امام آل سنت نے بڑے احسن طریقے سے فرما بھی دیا ہے۔ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امام علی مقام کی شہادت کا تذکرہ کرنا ہے تو وہاں ساتھ میں دوسرے اصحاب کی شہادت کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، تاکہ روافض کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آل سنت صحابہ اور آل بیت دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آل سنت صحابہ اور آل بیت دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آل سنت کی نشانی اعلی حضرت نے بیان فرمائی ہے تو وہ یہ ہے کہ آل سنت کیا کرتے ہیں، آل بیت اور صحابہ کا دونوں کا اکٹھا ذکر کرتے ہیں، اور یہاں پر اعلی حضرت نے جو روایت نقل فرمائی ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ تو صدیقہ سے مروی ہے، اور روایت کیا ہے، سنیں اور اپنے عقیدے پر فخر کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذا ذکر الصالحون فحی علی بعمر، کہ جہاں پر صالحین کا ذکر کیا جائے وہاں ساتھ میں عمر کا ذکر ضرور کیا جائے۔
जहां पर सालिहीन का जिक्र किया जाए वहां साथ में उमर का जिक्र जरूर किया जाए, क्योंकि शैतान भागता ही तब है। ठीक है ना, जिक्र साहबा हुआ ना कराची में, तो एक तो उठ गया ना, एक तो गया कि जो उमर का जिक्र सुन के प्रोग्राम से उठा था, जब कराची में आशिकाने साहबा ने उमर का जिक्र किया दुनिया से ही उठ गया है। वो लुटन जाफरी कि जो कहता था कि नेपाल के जंगलों से फिर वो जिंदा हो गया आगे जी। चलो लानत भी परेशान हो सी उन्होंने लानत आख्या थे। तो हजरत मोहतरम आला हजरत आगे जो इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं और जिक्र शहादत में हजरत अबू बकर और उमर और उस्मान औलादे अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाहु ताला वजहु का जिक्र इसलिए तर्क करना कि उनके अस्मा हजरत आलिया खुलफाए सलासा रदी अल्लाह ताला अन्हुम के नामे पाक हैं। यानी हजरत मौलाए मुर्तजा के बेटे उमर भी थे, उस्मान भी थे और अबू बकर भी थे। अगर आप करबला के शुहदा की हयात तय्यबा का मुताला करें और देखें कि जो 72 या 73 असहाब शहीद हुए थे उनमें अबू बकर नाम के भी थे, उमर नाम के भी थे और उस्मान नाम के भी थे। आला हजरत फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर और उमर और उस्मान औलादे अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाहु ताला वजहहु। तवज्जो करें, छोड़ें वो होता रहेगा, मेरी तरफ तवज्जो करें, बंद कर दें लाइट को, कोई बात नहीं है। तो आपने क्या इरशाद फरमाया कि हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में हजरत अबू बकर भी थे, उमर भी थे और उस्मान भी थे और उनका तज़किरा इसलिए तर्क करना कि उनके अस्मा हजरत आलिया खुलफाए राशिदीन खुलफाए सलासा रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पाक पर हैं। सरी रिफ्स और अवहामे जमाना रवाफिज फज़लहुमुल्लाह का इत्तिबा है। यानी सिर्फ जिक्र हुसैन करना और बाकी शुहदाए करबला का जिक्र ना करना ये रवाफिज का तरीका है। और आगे आपने इरशाद फरमाया कि मुसम्मा के बायस इसम से अदावत हाथ बांध लेते हैं। ये उलमा के लिए जुमला, मुसम्मा से अदावत, मुसम्मा के बायस इसम से अदावत हाथ बांध लेते हैं। मतलब क्या है कि असल में तो नाम हजरत सिद्दीक अकबर फारूक आजम और उस्मान गनी का है, तो उस वजह से औलादे अली का जिक्र भी नहीं करते क्योंकि उनके नाम उनके नामे ग्रामी पर रखे गए हैं, तो इसलिए उनका भी जिक्र नहीं करते। अगरचे वो नाम किसी महबूब का हो, कातलहुमुल्लाहु अन्ना युफकून, अल्लाह ताला उन्हें मारे कि वो कहां ऊंधे जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए आगे आप फरमाते हैं इमाम शाफी का कौल नकल करते हुए आप फरमाते हैं अशियतो निसाउ हाजिल उम्मा, अशियतो निसाउ हाजिल उम्मा रवाफिज इस उम्मत की मादा है। बाकी आप खुद समझ ले, ये मैं नहीं कह रहा, आला हजरत ने नहीं कहा, किसी और बंदे ने नहीं कहा, किसने कहा है, इमाम शाफी ने कहा है। और इमाम शाफी पर रिफ्स का जब फतवा लगा ना तो आपने जो जुमले इरशाद फरमाए वो भी काबिले गौर हैं। आपने फरमाया कि अगर मोहब्बत आले बैत रिफ्स है तो सुन लो इमाम शाफी राफजी है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत आले बैत रिफ्स नहीं है इसलिए इमाम शाफी राफजी भी नहीं है। मोहब्बत आले बैत तो आले सुन्नत का तरीका है। क्यों? क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब अपने उम्मतियों को फरमा दीजिए कि हम आपसे सवाल नहीं करते अजर का, लेकिन मेरे करीबियों के साथ मोहब्बत रखना, मवद्दत रखना। अब एक होती है मोहब्बत और एक होती है मवद्दत। मवद्दत और मोहब्बत में बड़ा फर्क है। मोहब्बत ये है कि कछुए को पानी के साथ मोहब्बत है, मेंढक को पानी के साथ मोहब्बत है, इसी तरह जो दरियाई घोड़ा होता है उसको पानी के साथ मोहब्बत है। ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको पानी के साथ मोहब्बत है, लेकिन जब वो पानी से निकलते हैं तो वो जिंदा रह सकते हैं।
पानी से जब वो बाहर होते हैं तो जिंदा रह सकते हैं। मेंढक पानी में रहता है खुश होता है, बतख पानी में रहती है खुश होती है, और दरियाई घोड़ा पानी में रहता है खुश होता है। इसी तरह कछुआ पानी में रहता है खुश होता है, क्योंकि उनको पानी के साथ मोहब्बत है। लेकिन जब पानी से बाहर आते हैं उन पर मौत तारी नहीं होती। लेकिन एक ही चीज है कि जिसको मछली कहते हैं कि जो पानी में रहती है जिंदा रहती है, और पानी से बाहर आती है तो मर जाती है। क्यों? क्योंकि मछली को पानी के साथ मोहब्बत नहीं मवद्दत है, पानी के साथ उसको इश्क है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो जिस तरह मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, सुन्नी इश्क आले बैत के बगैर जिंदा रह सकता नहीं। तो ये है सुन्नी का अकीदा, ये है सुन्नी कि जो सहाबा का भी जिक्र करता है आले बैत का भी जिक्र करता है। और क्यों आले बैत का जिक्र करता है सहाबा का जिक्र करता है? इसलिए कि आला हजरत अजीम अल मर्तबत अशा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली, आपने जो तरीकाकार बयान फरमाया है, आपने यही इरशाद फरमाया है। पहले आपने आले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की शान को बयान फरमाया। सुने जबान रजा से जिक्र आले बैत, कि आपने किस तरह जिक्र आले बैत फरमाया। हजरत आले बैत से कोई भी जहन्नमी नहीं, ये टाइटल है। इसके तहत आप फरमाते हैं कि अबुल कासिम बिन बशर ने अपने अमाली के अंदर हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। वो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सअल्तु रब्बी अन ला यदखुला अहदा मिन आले बैत नार फआतानीहा। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपने रब से ये सवाल किया, अपने रब से ये दुआ की कि अन ला यदखुला अहदा मिन आले बैत नार, के मेरी आले पाक में से कोई भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा, मेरी आले बैते अतहार में से कोई भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। तो जब आपने ये दुआ की फआतानीहा, तो रिवायत के अल्फाज ये हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को कबूल फरमा लिया, आपकी इस दुआ को कबूल फरमा लिया। तो क्यामत तक जो आले बैते अतहार के अंदर दाखिल है हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की इस दुआ के सदके, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा बल्कि जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो अब सवाल हो सकता है कि सैयद कहलाने वाले तो बहुत से लोग हैं कि जिनका अकीदा आले सुन्नत के अकीदे से हटकर है, जो सहाबा कराम की गुस्ताखियां भी करते हैं, माजल्ला सरकारे मदीना अलैहि सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियां भी करते हैं, तो आप रसूलुल्लाह की जबानी ही सुन लेते हैं कि आपने सैयद किसको कहा, कौन सैयद है और कौन सैयद नहीं है, यह भी आला हजरत से पूछ लेते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तकूलु लिल मुनाफिके सैयदुन فانه ان يكن سيدا فقد استخدتم ربكم। आपने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक को सैयद न कहो, मुनाफिक को सैयद न कहो। क्यों? क्योंकि अगर वो तुम्हारा सैयद है तो बेशक तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल होगा। जी, तुमने अपने रब के गजब को दावत दी है अगर तुम मुनाफिक को सैयद कहते हो। एक तो है मुनाफिक, और फिर जो मुनाफिक से अगले दर्जे पर चला जाए क्या वो फिर सैयद कहलाने के लायक है? बात की वजाहत आप लोग समझते हैं। बस इतना बता देना चाहता हूं कि जब एक मुनाफिक को सैयद नहीं कह सकते, तो एक जो अपने नाना के अकीदे से फिर गया है उसको सैयद कैसे कह सकते हैं? और फिर आला हजरत ने तो यहां तक फरमाया है कि जो सच्चा सैयद हो ना, वो कभी अपने अकीदे से फिर ही नहीं सकता है। जो सच्चा सैयद है
वो कभी अपने नाना के अकीदे से फिर ही नहीं सकता है, क्योंकि कुरान का वादा है कि अल्लाह ने उनसे निजासत को दूर कर दिया है। और कुरान ये भी कहता है इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरिकीन सारे के सारे क्या है, नजस हैं। तो जब इन दोनों को मिलाया जाए तो ये बात वाज़ह हो जाती है कि जो सच्चा सैयद होता है, जो सच्चा सैयद होता है, वो कभी अपने नाना के अकीदे से फिर सकता नहीं। अब आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और रिवायत के हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फातिमा क्यों कहा जाता है, हजरत सैयदा फातिमा को फातिमा क्यों कहा जाता है, तो इब्ने असाकिर की रिवायत है जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मरवी है। आप फरमाते हैं इन्नमा सुम्मियत फातिमा तो लिअन्नल्लाह फातमहा व ज़ुर्रियतहा अनिन नार यौमल क़ियामा। हजरत फातिमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजाने हुजूर शेखुल कुरान, माशाल्लाह। हजरत साहब तशरीफ ले आए तो मेरी थोड़ी नहीं गल रह गई, मेरा इलम मेरे आप दी आमद तक किया है जो कुछ आए जनाब। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फातिमा क्यों कहा जाता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, इब्ने असाकिर की रिवायत है इन्नमा सुम्मियत फातिमा तो लिअन्नल्लाह फतमहा व ज़ुर्रियतहा अनिन नार यौमल क़ियामा, कि हजरत फातिमा को फातिमा इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको और आपकी नस्ल को क़यामत के दिन आग से महफूज फरमा दिया है, के आजाब से दूर फरमा दिया है। और एक और रिवायत में है कि वाला सौफा युती का रब्बु का फतरता, इसकी तफसीर के अंदर हजरत इमाम कुर्तुबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि रिदाउ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह यदखुल अहद मिन आल बैतिहि नार। तवज्जो फरमाएं, मेरी तरफ तवज्जो करें, उलमाए किराम आपस में हम कलाम रहेंगे, उनकी आपस की राज न्याज की बातें होती हैं, तो इसलिए आप मेरी राज न्याज की कुछ सुन लें, क्योंकि बड़े दूर से आया हूँ, ये नहीं कि मेरा घर यहाँ पर है तो यहाँ से उठ के आ गया हूँ, वादी सुन से स्पेशल आया हूँ जी, तो इसलिए थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं। वाला सौफा युती का रब्बू का फतरता, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया कि अन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो इसके तहत इमाम कुर्तुबी तफसीरे कुर्तुबी के अंदर क्या इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं रिदाउ मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्ला यदखुल अहद मिन आल बैतिन नार, के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त तक राज, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा ये है कि आपकी आल में से कोई भी जहन्नम में दाखिल ना हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा क्या है कि आपकी आल में से कोई भी जहन्नम में दाखिल ना हो। तो इसके तहत आला हजरत ने क्या फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि कोई भी सैयद जहन्नम में नहीं जाएगा, कोई भी सैयद सैयद या सैयद जहन्नम में नहीं जाएगा। आगे आपने जो इरशाद फरमाया वो बड़ी पते की बात की, लोग कहते हैं ना कि सहाबा और आले बैत का जिक्र इकट्ठा नहीं करना चाहिए, तो आला हजरत ने क्या इरशाद फरमाया ये जरा आप समाध फरमा लें और उसके बाद इंशाल्लाह इजाजत। हाँ, अब जो दौर चल रहा है ना, आपको पता है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं जी। वो कुत्ता जो इस्लामाबाद के अंदर भौंका हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को, वो
आसिफ भी उसको नहीं कहना चाहिए क्योंकि आसिफ तो बड़ा बाबरकत नाम है, और अलवी भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो अलवी होता है वो साहबा को भौंकता नहीं है जी, तो वो कोई और ही बला है, तो वो साहबा को भौंका। फिर कराची के अंदर जब इन्होंने खुतबा दिया वो एक लहीन ने, तो उसने माजल्ला हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पर लान तान किया। तो अब जब इस तरह ये बेलगाम हो जाएंगे, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को भौंकेंगे, तो आगे से खामोश रहने वाले के बारे में हदीसे मुस्तफा क्या कहती है। आला हजरत ने यह हदीस नकल फरमाई है, कंजुल उमाल के अंदर हदीस मौजूद है, फैजुल कदीर के अंदर मौजूद है, और दैलमी के हवाला से आप फरमाते हैं, इदा सब्बा अस्हाबी व ज़ाहरतिल फितन औ क़ालल बिदअ, जब मेरे असहाब को गाली दी जाए और फितने जाहिर होना शुरू हो जाए, या बिदअतें जाहिर होना शुरू हो जाए, वलम यज़हरिल आलिम इल्महू, और जो बंदा आलिम है जिसके पास इल्म है वो अपने इल्म को जाहिर ना करे, यानी अपने इल्म के जरिए रद्द ना करे, फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकते वन्नास अजमईन ला यकबलुल्लाहु मिन्हु सरफन व अदला। रिवायत के अल्फाज हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। तो आज जो उलमाए कराम, मैं उनको उलमा कहता ही नहीं हूं जो खामोश हैं, वो आलम कहलाने के लायक ही नहीं है, जो खामोश हैं और अपनी गड्डियां और अपने मिंबर बचाने के चक्कर में है कि अगर हमने कोई बात की तो हमारी मस्जिद छिन जाएगी, हमने कोई बात की तो हमारे मुरीद नाराज हो जाएंगे, हमने कोई बात की तो हमारे शागिर्द नाराज हो जाएंगे, तो उनको ये हदीसे मुबारका सुन लेनी चाहिए। फतावा रजविया शरीफ जिल्द नंबर 23 सफा नंबर 741 आला हजरत ने हदीस नकल की है कंजुल उमाल के हवाले से, आप फरमाते हैं, या सब्बा अस्हाबी व ज़ाहरतिल फितन औ काला अल बिदा, कि जब मेरे असहाब को गाली दी जाए और फितने जाहिर होना शुरू हो जाए या बिदअतें जाहिर होना शुरू हो जाए, वलम यज़हरिल आलिम इल्महु, और उस हाल में अगर कोई आलिम अपने इलम को जाहिर न करे, फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकते वन नास अजमईन, तो उस पर सिर्फ अल्लाह की लानत नहीं है, सिर्फ फरिश्तों की लानत नहीं है, बल्कि अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, और तमाम इंसानों की भी लानत है जी। आज जिक्र सिद्दीक करेंगे या नहीं करेंगे, जिक्र फारूक करेंगे या नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, फिर तो किसी ने करने ही नहीं देना है। हक चार यार, हक चार यार, तो हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहना चाहिए जी 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 जी, इन वजात करता हूं, हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर जरूर कहना चाहिए, हजरत उमर को फारूक आजम जरूर कहना चाहिए, ये लोग अबू बकर तो मानते हैं, ठीक है ना, अबू बकर तो मानते हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर नहीं मानते, सिद्दीक अकबर नहीं मानते, क्योंकि सिद्दीक अकबर मान ले तो इनका दीन ही सारा जाया हो जाएगा, इनके पास है ही तीन चीजें, बागे फतक है, हदीस कसा है, ठीक है, और हदीस किरतास है, ठीक है ना, और क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर हजरत अबू बकर को ये सिद्दीक अकबर मान ले तो बागे फदक वाला किस्सा खत्म, और उमर को फारूक आजम मान ले तो हदीस किरतास वाला किस्सा खत्म, और हदीस कसा तो वैसे ही हमारी है, इनकी है ही नहीं जी, हदीस कसा तो सुन्नी बयान करे ना तो मजा आता है। तो हजरत मोहतरम,
सिद्दीक अकबर कहना चाहिए, फारूक आजम कहना चाहिए। अब मैं आपको जरा यह भी बता दूं कि सिद्दीक अकबर को सिद्दीक अकबर क्यों कहते हैं। सरकार के सारे साहबी सच्चे नहीं है, सच्चे असहाबत कुल्लुहुम उदूल। सरकार के सारे साहबी सच्चे हैं। असहाबी का नुजूम फबियहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे असहाब हिदायत के सितारे हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो सहाबा सारे के सारे सच्चे हैं। ओ तो सुनो क्यों कहते हैं, एक है मकामे नबुव्वत और एक है मकामे सिद्दीकियत, एक है मकामे नबुव्वत और एक है मकामे सिद्दीकियत। इसके दरमियान में एक और मकाम भी है, इसके दरमियान में एक और मकाम भी है कि जिसको मकामे फुर्दून कहा जाता है, दर्जाए फुर्दून कहा जाता है। और उस पर अगर कोई हस्ती इस दुनिया के अंदर विराजमान है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिद्दीक अकबर की जात है। सिद्दीक अकबर के अलावा कोई और उस मकाम पर विराजमान नहीं है। इस वजह से हम सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कहते हैं। तो हजरत मोहतरम, ये जो अगला जुमला है हदीस मुबारका का, जो आखिरी जुमला, वो समाज फरमाएं। आला हजरत ने जो हदीस नकल की है उसका आखिरी जुमला ये है कि ला यकबलुल्लाहु मिनहा सरफम व अदला, अल्लाह ताला ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। जो आलिम उस वक्त खामोश रहे, अपने इलम को जाहिर ना करे कि जब सहाबा को तबर्रा किया जा रहा हो, जब सहाबा को गाली दी जा रही हो, जब सहाबा को बुरा भला कहा जा रहा हो, उस वक्त जो आलिम अपनी जबान पर ताला लगाए रखे, अपनी जबान को बंद रखे। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, तमाम इंसानों की भी लानत है, और ना उसका फर्ज कबूल होगा ना ही उसका नफल कबूल होगा। तो अब जब हुक्म ये है तो फिर जब कुछ लफ्ज पढ़े हैं तो उनका इजहार तो जरूरी हो गया, कुछ लफ्ज पढ़े हैं तो उनका इजहार तो हम पर फर्ज हो गया है। चाहे तो चार ही सही पढ़े तो है ना, तो उनका इजहार अगर हम नहीं करेंगे तो हम तो इस इताब के तहत आते हैं, इस अजाब के तहत आते हैं। कौन बर्दाश्त करेगा कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के रसूल की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, तमाम इंसानियत की लानत हो, और अल्लाह मेरे ना फर्ज कबूल करे पड़े वो भी कबूल ना हो, तो फिर कहां जाएंगे हम। तो देखो ना कि जो आलिम सबे असहाब पर अपने इलम को जाहिर नहीं करता, उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, मोमिनीन की लानत है, बल्कि तमाम इंसानों की लानत है। तो जो महाज अल्लाह बेगैरत गाली दे रहे हैं उन पर कितनी लानतें बरसती होंगी। वो आलिम के जो सिर्फ अपना इलम जाहिर नहीं कर रहा, गाली नहीं दे रहा, बुरा भला नहीं कह रहा, बस खामोश है, जब उस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के फरिश्तों, तमाम इंसानों की लानत है, तो जो बंदा माज़ अल्लाह गाली दे रहा होगा उस पर कितनी लानत होगी जी। वो तो फिर हर वक्त लानतों में ही रहेगा। यहां पर एक कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, एक सहाबाए किराम को गालियां देने वाला माज़ अल्लाह, तो कल या परसों किसी की बकरी गुम हो गई, हमारे ननिहाल की बकरी गुम हो गई, तो वो ढूंढते रहे नहीं मिली। कुछ देर के बाद किसी बंदे ने देखी तो वो उसकी कब्र पर खड़ी हुई थी बकरी। तो मैंने पूछा क्या बना, उन्होंने तो बकरी मिल गई, मैंने कहाँ से मिली है कि उस बंदे की कब्र पर खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा सिर्फ खड़ी थी या कुछ कर भी रही थी, होना तो ये चाहिए ना कि सब कुछ करके उतरे जी। तो मुझे यकीन है कि उसने कुछ ना कुछ किया भी होगा, क्योंकि बकरी को पता है कि अंदर क्या है। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस है सरकार की के कब्र के ऊपर अगर कोई
या कब्र के पास से इंसानों के सिवा जो भी मखलूक गुजरती है उसको पता होता है कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है। वो चाहे चरिंद परिंद दरिंदे हो, कोई भी हशरातुल अर्द में से हो, इंसान के अलावा हर चीज को ये पता होता है कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है। तो जब उसको पता चला ना कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है, उसने कहा मैं भी कब्र के ऊपर कुछ ना कुछ कर देती हूं। तो इसलिए जो सहाबा इकराम को भौंकते हैं उनकी कब्रों पर फिर बकरियां कुछ ना कुछ करती हैं, जो करती हैं आपको पता है बकरी ने और क्या करना है। तो इसलिए जिन जो असहाबे नबी के गुलाम होते हैं उनकी कब्रें ता कयामत जिंदा रहती हैं जी, उनकी कब्रें ता कयामत जिंदा रहती हैं। वाक्या लंबा है, बस इतना बताना चाहता हूं कि एक बंदा कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसको कुत्ता नजर आ गया, तो उसने कुत्ते को मारने की कोशिश की, तो एक कब्र थी, कुत्ता उसके पास जाकर बैठ गया, कुत्ता उसके पास। वो ये वाक्या बयान किया था उस अहमद चिश्ती ने, वो सरगोधे वाले जो अल्लामा साहब है उन्होंने बयान किया था इधर हमारे स्टेज के ऊपर। तो वो कुत्ता कब्र के पास जाकर बैठ गया, तो जब वो कब्र के पास जाकर बैठा ना तो मारने वाले ने उसको छोड़ दिया, कुत्ता बच गया। तो जो रिवायत है वो बहुत लंबी है, लेकिन मुख्तसरन ये है कि वो रावी कहता है कि जिस कब्र के पास वो जाकर बैठा था ना वो कब्र मौलाए मुर्तजा रजी अल्लाह तआला ने, जो हजरत अली की तावील में आ जाए ना उसको कोई भी कुछ कह सकता नहीं। ठीक है, या रिवायत थोड़ी सी उलट है, मेरे ख्याल में एक बंदा था तो कुत्ते ने उसका रास्ता रोक लिया, तो वो बंदा हजरत अली की कब्र के पास जाकर बैठ गया, उसने देखा कि कब्र है तो उसके पास जाकर बैठ गया। तो किसी साले की कब्र थी, किसी नेक बंदे की कब्र समझ कर वो जाकर बैठ गया, तो कुत्ते ने उसको छोड़ दिया। ठीक है ना, तो अब वो रावी लिखते हैं कि वो कब्र हजरत मौलाए मुर्तजा की थी, और साथ में वो लिखते हैं कि उस कुत्ते को भी पता था कि अब ये बंदा अली की तहवील में चला गया है, अली के दरबार में चला गया है, तो अब मैंने इसको काटना नहीं है। तो जिन कुत्तों को अली के इमामों का हया नहीं है, हम उनका हया क्यों कर करें? जो कुत्ते अली के इमामों को भौंकते हैं हम उनका हया क्यों कर करें? क्योंकि कुत्ता तो कुत्ता होकर हजरत अली का हया कर रहा है, तो जो अली का हया करेगा अली के इमामों का हया नहीं करेगा। एक रिवायत और उसके बाद इजाजत, हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ और आकर कहने लगा कि ए अली अल मुर्तजा, आप तमाम इंसानों से बढ़कर हैं, तमाम इंसानों से बढ़कर हैं। तो हजरत अली ने उससे पूछा कि बता, क्या तूने हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की जियारत की है? उसने कहा नहीं की। आपने पूछा क्या सिद्दीक उमर की जियारत की है? हजरत अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम को देखा है? उसने कहा नहीं देखा। तो हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि अगर तू ये कहता कि मैंने हुजूर अलैहि सलातो व सलाम को देखा है या कतल तो का, तो मैं तुझे जरूर कतल कर देता। क्यों? इसलिए कि तू मुझे हमारे नबी से बढ़ा रहा है। अगर तूने उनको देखा होता, देखने के बावजूद तू ये कहता कि अली आप सबसे ज्यादा इज्जत और शान वाले हैं, तो मैं तुझे कत्ल कर देता। और अगर तू ये कहता कि मैंने सिद्दीक उमर की जियारत की हुई है, तो फिर लजल्लतु, मैं तुझे कोड़े लगाता, मैं तुझे कोड़े लगाता। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर मकामे नबुव्वत को देखा जाए तो सरकार मदीना अलैहि सलातु वस्सलाम से बढ़कर किसी की शान नहीं है, और मकामे सहाबियत को देखा जाए तो सिद्दीक फारूक से बढ़कर किसी की भी शान नहीं है। तो हजरात मोहतरम, इन्हीं का इख्तिताम पजीर करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अकीदा हक्का आले सुन्नत व जमात पर कायम बंद रहने की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ बयान किया उस पर अमल करने की अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ अजीज़म हजरत अल्लामा मौलाना अरब शहजाद रिजवी साहिब को, कि जो अपने खूबसूरत बयान से हमारे कुलूब अजहान को मुस्तफीज़ फरमाए
आपकी आमद से कबल जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया।